नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। जनपद मैनपुरी के ब्लॉक संसाधन केंद्र करहल में उड़ान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी करहल ब्रजेंद्र स्वरूप निगम ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ब्लॉक संसाधन केंद्र पर उड़ान परीक्षा में 34 छात्राओं ने प्रतिभाग किया। 2 सितंबर को ब्लॉक स्तर से उत्तीर्ण छात्र छात्राएं जिला स्तर पर उड़ान परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। जिला स्तर पर परीक्षा से उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह के द्वारा 5 सितंबर को सम्मानित भी किया जाएगा। जो परीक्षा हुई है उड़ान, उसके बारे में क्या जानकारी दीजिए सर। उड़ान प्रतियोगिता का आयोजन जिलाधिकारी के निर्देश पर आज BRC में करवाया गया था, जिसमें हमारे यहाँ 34 बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें से 10 बच्चे जो टॉप हैं उनको जिला स्तर की परीक्षा में भेजा जाएगा। आज इस परीक्षा संपन्न हो गई, रिजल्ट भी बन गया है, आज लिस्ट भी भेजी जाती है। ये जो उड़ान परीक्षा कराई जा रही है विद्यालय में, उसकी जानकारी दे किस तरह शुरू हुई, कहाँ से ये स्टार्ट होती है और किन किन क्षेत्र मतलब वहाँ से आती है, जैसे विद्यालय पर हो रही है, उसके बाद न्याय पंचायत पर हो रही है, उसकी पूरी जानकारी दी। ये माननीय जिलाधिकारी महोदय की एक महत्वाकांक्षी योजना है। बच्चों को पठन पाठन जो अभी 2 साल से शुरू नहीं हुआ है इस विद्यालय में, उनको आकर्षित करने के लिए, उनका रुझान करने के लिए जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर सबसे पहले विद्यालय में 25 तारीख को संपन्न हुई थी। फिर विद्यालय के बाद न्याय पंचायत स्तर पर इस परीक्षा का आयोजन किया गया 28 को, और फिर जो विद्यालय स्तर से जो न्याय पंचायत सेलेक्ट हो गया, फिर न्याय पंचायत स्तर से जो टॉप 3 बच्चे थे हर न्याय पंचायत से, उनको BRC पे बुलाया गया था, और फिर आज BRC पे 31 तारीख को यह परीक्षा संपन्न हुई। यहाँ के जो टॉप 10 बच्चे हैं उनको जिला स्तर पे 2 तारीख को परीक्षा की जाएगी, वहाँ उनको सम्मिलित किया जाएगा। फिर 5 सितम्बर को जिलाधिकारी महोदय द्वारा इन बच्चों का सम्मान किया जाएगा। इस तरह से उड़ान परीक्षा का कार्यक्रम संचालित हुआ है, और इसमें सभी COVID-19 नियमों का पालन हुआ है और सैनिटाइजर मास्क वगैरह सभी का प्रयोग हुआ है। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो उन्होंने ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, या जो हम लोग अभी मोहल्ला क्लास के माध्यम से पढ़ा रहे थे, जो व्हाट्सएप पे कंटेंट्स भेज जा रहे थे, उन सभी को दृष्टिगत रखते हुए कक्षा 6 के स्तर की परीक्षा थी ये, जो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में संपन्न हुई।